वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और ब्लॉग की शुरुआत करने से पहले जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। और हम बना रहे हैं यहाँ दाल, कुकर में दाल बना ली है और मसाला तैयार कर रही हूँ दाल को छौंकने के लिए। दाल बनाएंगे, लेडीज़ का हर रोज़ का एक ही काम होता है, साफ़ सफाई करना और दाल रोटी बनाना, ठीक है ना। तो यही काम है और व्लॉग में हम दिखा भी क्या सकते हैं आपको। अगर कोई लेडीज़ व्लॉग कर रही है तो वो अपने घर का काम किस हिसाब से करती है, या तो वो दिखाएगी या उसके हाथ में कोई हुनर है तो, या फिर वो उसे दिखाएगी। कई बार होते हैं ना, स्टिचिंग व्लॉग भी होते हैं कईयों के, कई आर्ट एंड क्राफ्ट के भी व्लॉग बना लेती हैं। तो कोई मतलब इसी तरह से जो मतलब कि उसमें हुनर होता है, जिसमें वो परफेक्ट होते हैं, तो वो चीज़ वो बना लेती हैं, कर लेती हैं। अब रही बात मेरी, तो हम तो भाई घर का काम करते हैं और डेली व्लॉग में, डेली व्लॉग में अगर मान लो मैं स्टिचिंग भी कर लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छी अच्छी ड्रेस है अपने लिए, खुद ही प्रिपेयर कर लेती हूँ। लेकिन अब डेली व्लॉग में स्टिचिंग व्लॉग वो बनाते हैं जिनका हर रोज़ का काम होता है, आर्ट एंड क्राफ्ट का व्लॉग वो बनाते हैं जो हर रोज़ इस काम को कर लेते हैं। अब अगर मान लो मैं इस काम इसके ऊपर, तो वो व्लॉग कभी ही बना कभी कभी बन सकता है। ये तो नहीं है कि हर रोज़ अब मैं स्टिचिंग के लिए हर रोज़ इतने कपड़े कहाँ से लेके आऊँगी कि आज कुछ नया कर रही है। अभी तो खैर मैं दाल बना रही हूँ, तबीयत मेरी ख़राब है, सही नहीं है। और अगर सही होती तभी हम कहीं बाहर निकल सकते थे, या लेके जाती कहीं आपको बाहर घुमाने के लिए, खुद भी घूमती। लेकिन अब मैं क्या करूँ, मैं खुद ही नहीं जा सकती। तो खाना बनाते हैं, खाना बनाने के बाद फिर उसके बाद आपको फिर दोबारा से मिलेंगे, इतना बच्चे आ जाएंगे घर पर और फिर देखते हैं क्या करेंगे। जैसे जैसे हमारी रूटीन चलती रहेगी वैसे वैसे आप हमारे साथ चलते रहना। तो तब तक के लिए बाय। दाल हो चुकी है हमारी डन। देख ले कैसे फोन देख रहा, लेटा लेटा बैठ के देख, गेम खेल ले तू, देख ले इसमें। कोई नहीं, तेरा फोन खोसूंगी मैं, तू कहना नहीं मानता ना। तो गाइस अभी हम बनाएंगे चाय, खाना खा लिया था, मास्टर जी घर आ चुके हैं तो चाय बनाएंगे। लेकिन चाय बनाने से पहले चलते हैं हम जिनके घर शादी थी, मेरी जेठानी के घर, वहाँ चलते हैं। उनके घर आए हुए हैं किन्नर, आप जो मतलब कि जो मर्जी पता नहीं क्या क्या बोलते हैं उन्हें, मुझे नहीं पता, कोई किन्नर बोलता है, कोई खिचड़े बोलता है उनको, तो वहाँ चलते हैं। देखो जहाँ तक मेरी सोच है तो वो भी एक समाज का हिस्सा है, कोई समाज से बाहर तो नहीं है, है तो समाज का हिस्सा, तो हमें उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि वो कहाँ जाएंगे, ठीक है ना। भगवान ने उनको ऐसा बनाया है तो हमें भी उसको उसी रूप में एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, तो ठीक है। तो वैसे भी कहते हैं कि जो किन्नर समाज होता है ना, इन ये दो ही ऐसी वो होती हैं सिचुएशन जहाँ पर ये मांगते हैं हक से, एक तो जब किसी के बेटे की शादी होती है, दूसरी जब किसी के घर में लड़का होता है। वरना जिसके घर में बेटियों की शादी होती है तो वहाँ तो ये नहीं जाते। तो चलो मेरा तो यही वो है कि इच्छा होती है कि हाँ भाई जैसे समाज इन्हें एक्सेप्ट करे और इनकी भी वही इज्जत हो जो आम जनता की होती है, आम लोगों की होती है। तो चलिए पहले उनके घर चलते हैं, चलो इनकी वीडियो में हम बनाएंगे। हाँ दूध में पत्ती, हाँ दूध में पत्ती पाके हम चाय पिला रहे हैं जी। आई लव यू कहा भी नहीं हुआ। चलो चलो नाचो जल्दी जल्दी। मैं क्या कह रही हूँ, देखो मेरी बात नहीं सुनेगी, कैसे दोगे सिक्का बताओ मेरे को, ऐसे ही देना दांत से काट के देना, वही तो काट के देते हैं। हाँ दुकान में रखते हैं, ले आ बेटा, ए ले बाऊ, मेरे को दे, ले बाऊ सानी गाड़ी हो जा, चल मैं चल जा मेरा साथ साथ मम्मी मेरी ये से
ये देना ये देना, मैं तेरे वास्ते नाची रे, देना। मैं भी नाचा, मेरे को दो। क्या हेड़ा है रे? ये क्या है? बाबा तू चुप रहे हा?
दही जमा ले, इसमें तो जामण लग जाएगा, जो सा ये दूध पड़ा ना इसमें तो जामण लग जाएगा। तू देख ले ठंडा हो रहा, हाथ लाका देख, दोनों में गर्म पड़े, जमीन गर्म पड़ा, बस ही थोड़ी देर में दही मेरे पास पड़ी है, जामण ला दिए इसमें और क्या। तो गाइस हमारा प्लांट्स देखो, देखो कितने मतलब हाल लगाने से ऐसे कितना वो हो गया, ऐसे लग रहा जैसे ऑयल ऑयल लग रहा है इसके ऊपर हमारे ठाकुर जी को, देख लो। फाइनली गाइस अब समय हो चुका है ब्लॉग को एंड करने का, और ब्लॉग को एंड तो हम करेंगे, लेकिन कल भी हम ऊपर ही थे जब ब्लॉग को एंड कर रहे थे, और हम मैं ऊपर आई हूँ, रोटी खाई है तो थोड़ा सा टहलने के लिए और यहाँ खड़ा होने के लिए, खुशबू लेने के लिए, ठीक है ना। और देखो खुशबू लेना मतलब कि ये होता है कि देखो अगर मैं ये कहूँ ना कि परफ्यूम, परफ्यूम में से खुशबू आती है, खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन परफ्यूम की खुशबू मेरे को चढ़ती है, लेकिन ये जो फ्लावर्स हमारी छत के ऊपर लगे हुए हैं ना, इसमें से इतनी भीनी भीनी खुशबू आती है कि इसके आसपास रहने का मन करता है। ये खुशबू जो होती है ये दिमाग को राहत देती है, हमारा दिमाग मतलब कि, और दूसरी जो होती है ना आर्टिफिशियल खुशबू जिसको बोल दो, वो मतलब कि हमारे दिमाग में इतनी चढ़ती है कि वो सिर में दर्द करती है, लेकिन इसकी खुशबू नहीं करती, इसको मैं बार बार सूंघती हूँ, है ना, इसकी अच्छी है ना खुशबू, है ना, मतलब कि ऐसा तो नहीं होता ना जैसे सिर में नहीं चढ़ती है, है ना, ये खुशबू ऐसी होती है। और चलो ठीक है अब व्लॉग को ख़त्म करते हैं। और हाँ एक चीज़ और, आज आपने देखा कि हमारे घर में वो जो हिजड़े होते हैं वो नाचने के लिए आए थे, और जो कोई भी इंसान उससे ये सोचता है कि वो भी एक समाज का हिस्सा है, जो ये चीज़ मानते हैं मेरी तरह कि हाँ वो भी एक समाज का हिस्सा है, तो एक लाइक एक सब्सक्राइब उनके लिए ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।